नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध शराब कार को घेरा, जिसके बाद मौके से कार चालक फरार हो गया। वहीं भागने के दौरान आबकारी विभाग ने पीछा किया तो कार चालक की कार इतनी स्पीड थी कि दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के साथ कार को घेरा, पर मौका देखकर चकमा देकर कार लेकर फरार हो गया। भागने के दौरान जब आबकारी विभाग ने पीछा किया, इसी क्रम में दीघी गांव के पास दो मोटरसाइकिलों को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। कार चालक की पहचान चाकुलिया थाना क्षेत्र के नया बाजार निवासी नागेश्वर सिंह से हुई है। पूर्व कई वर्षों से ही अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और कई बार जेल भी जा चुका है। जैसे ही आबकारी विभाग ने पीछा करना शुरू किया, चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी, जिसके कारण दीघी गांव के पास चाकुलिया माटीहाना मुख्य सड़क पर 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही 2 महिला समेत 3 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाते ही पुलिस और बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती पहुंचकर जानकारी ली। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी नागेश्वर सिंह के घर का घेराव किया। वहीं सूचना पाकर पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर वहां से हटाया और पुलिस ने घर की छापेमारी की और घर से कुछ बरामद नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार मालकुंडी गांव निवासी जगत गोप, उनकी पत्नी सुनीता गोप और नाती गोविंद गोप के साथ एक मोटरसाइकिल पर अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे और दीघी गांव के पास कार की चपेट में आने से उनकी पत्नी सुनीता गोप की मौके पर ही मौत हो गई और वो और उनका पोता गंभीर रूप से घायल है। वहीं दूसरे बाइक पर एक पुरुष और एक महिला की भी मौत हो गई है। उनका पहचान अभी तक नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।